आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, कल सरदार पटेल की 149वीं जयंती है, जिसमें जैसे कुछ त्यौहार है हिंदू लोगों का, दीपावली है, तो इस अवसर पर क्या उसी दिन आप लोग मनाएंगे या आगे पीछे कुछ करके? अर्जक संघ जिस सामाजिक संस्था और सांस्कृतिक विंग है, संगठन है, वो उस विंग का मानना है कि हमारे महापुरुषों जो हमारे महापुरुष हैं उनका जो योगदान है हमारे जीवन में साक्षात रूप में काम आते हैं, उनके जीवन संघर्ष, उनके ज्ञान, उनकी सोच, उनका उपलब्धि के हमारे रूप में, लेकिन हमारी दीपावली पर्व से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम अर्जक संघ के लोग उत्तर भारत में सर्वप्रथम सभी महापुरुषों पर, यहाँ तक हमारे जो 14 त्यौहार है उसमें एक त्यौहार सरदार वल्लभ भाई पटेल का एकता दिवस है। हम लोग पटेल जयंती को पटेल जयंती के रूप में नहीं मनाते, हम लोग उसको एकता दिवस के रूप में मनाते हैं कार्यक्रम, क्योंकि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। आज जो राष्ट्र एक अखंड है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपलब्धि है, इस कारण मैं जो है हम लोग एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और उत्तर भारत में सर्वप्रथम अर्जक संघ ने ही सभी महापुरुषों को प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया, उनकी जयंतियाँ पूर्णिमा दिवस मनाकर, उस क्रम में सर्वप्रथम अर्जक संघ के लोग कल ही अपने इस महापुरुष की जयंती को एकता दिवस के रूप में प्रेस क्लब में, स्थानीय जो प्रेस क्लब है, 11 बजे से 3 बजे तक गोष्ठी के रूप में मनाया जाएगा। बाकी और क्या करता है वो जाने, बाकी हो सकता है कोई त्यौहार के नाते डर रहा, लालच या मोह में पड़ा हो, डर में पड़ा हो कि हो सकता है क्या, जो भी कारण का बनता वो जाने, लेकिन मेरा मानना नहीं है। मैं तो पटेल जयंती, विज्ञान दिवस, चौधरी महाराज सिंह भारती की जयंती, मैं कई बार परुआ के दिन मनाया, हम लोगों ने और काफ़ी सफल कार्यक्रम रहा बस्ती मनाया है, और ये ऐतिहासिक है, पूरे भारत में ऐसा कोई नहीं कर सकता कि परुआ के दिन कोई कार्यक्रम कोई करता हो, लेकिन अर्जक संघ ऐसा है कि परुआ के दिन भी कार्यक्रम किया है, क्योंकि उस दिन समय का सदुपयोग और अच्छा हो जाता है, सुविधानुसार हो जाता है, सारे लोग खाली रहते हैं, सारे जब चारों तरफ बंद रहता है, तो हम लोगों ने तो कार्यक्रम परुआ के दिन भी किया, हमारी जयंतियाँ मनाई गई है और अच्छा, सफल भी रहा है। अच्छा, तो इसे हमारा दीपावली से हमारा कोई लेना देना नहीं, उससे नहीं है, हम अपने महापुरुष जयंती 31 को ही कल ही मनाएंगे, और वो धूमधाम से मनाने की तैयारी हमारी चल रही है, कल होगा प्रेस क्लब में, और हम सभी इसी माध्यम से आपके माध्यम से आह्वान करते हैं कि कल प्रेस क्लब में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जो विचार के साथी हैं, जो सोच और विचार के साथी हैं अर्जक संघ के, या उसके मानववादी, अम्बेडकरवादी, बुद्धवादी के लोग, जो इस तरह के लोग हैं, समान मिलते जुलते विचार के या समान विचारधारा के लोग हैं, उनसे आह्वान करते हैं कि वो आएँ और एकता दिवस जो जयंती कार्यक्रम है, पर्व हमारा है, उस पर इस पर्व को सफल बनाएं। बाकी पर्व का भाई जो जैसे जिसको जो समझता है उसको मेरा कोई विरोध नहीं, अलग है, उनका काम अलग है। लेकिन अभी एक सरदार सेना करके संगठन है, जगह जगह बैनर लगाया गया है, आज वो लोग अभी एक रैली निकाले हैं जिसमें घोड़े भी थे, कुछ चार पहिया वाहन, कुछ लोग पैदल भी थे, तो क्या पहले मनाया जाता है या बाद में मनाया जाता है? नहीं, बाद वाली तो जानकारी है, लेकिन पहले पूर्व संध्या नहीं। हाँ, ये पूर्व संध्या पे रात में कार्यक्रम होता, किसी की जयंती या कुछ पे पूर्व संध्या कार्यक्रम होता रात में, वो भी जो भी कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम हो कि आज कार्यक्रम हो 10 बजे 9 बजे शुरू हो, जो कि 12 बजे के बाद 1-2 बजे तक खत्म हो, तो वो कार्यक्रम माना जाता कि आज शुरू कल खत्म हो, इस तरह से पूर्व संध्या माना जाता है। लेकिन ये नहीं कि आज दिन में ये कल है आज दिन में मना लिया, ऐसा कभी किसी का नहीं, उचित ही नहीं, किसी रूप तर्कसंगत है ही नहीं, करते नहीं। ये तो जैसे हिंदू का त्यौहार होता है कि आज कुछ त्यौहार होता है ना, दो त्यौहार हो जाता, तीन त्यौहार मना लेते हैं, 2 घंटे का वो है इसलिए कल माना जाएगा, उसमें आ गया है ग्रह, आ गया है तमाम नक्षत्र, वो सब उस तरह के मानने वाले लोग, विश्वास पाखंडवाद नहीं, वो उस तरह के मानने वाले लोग, हम लोग उसको नहीं मानते जानते, हम लोग तो ये मानते हैं, हम लोग विज्ञानवादी हैं, तार्किक सोच के लोग हैं, मर्जक संघ लोग, हम लोग अपने विवेक बुद्धि से जो तर्क सुविधानुसार तर्कसंगत हो, वैज्ञानिक हो, उस तरह से जो वो हो, उस तरह से काम करते हैं, करने का काम करते हैं। और उस संगठन में साथियों को जान लीजिए, वो सरदार सेना, किसान यूनियन और कुर्मी महासभा, तो ऐसे लोग जो हम लोग से अप्रोच किए थे कि कार्यक्रम में शामिल होया जाए, लेकिन हम लोगों ने साफ साफ मना कर दिया कि हम ऐसे कार्यक्रम में नहीं शामिल होंगे जो जो है कि जो
जो तर्क संगत नहीं है, जो किसी तरह से उक्त संगत नहीं है, कोई नहीं है, इस तरह से इस नाते हम लोगों ने अपना कार्यक्रम कल रखा है, 31 को ही रखा है, 31 को जिस दिन जयंती है उसी दिन रखा है प्रेस क्लब में। इस कल भी तो मनाया जा सकता था, कोई जरूरी है कि हमारा पर्व जो दीपावली शाम को जलाई जाती है ना दीप, लेकिन कल भी निकाला जा सकता है, उसका वो है अलग बात है, ठीक है। आप हम लोग तो नहीं ऐसा किए ना करेंगे, अर्जक संघ विज्ञानवादी सोच वाली है, इसलिए विज्ञान इसी सिद्धांत में हम लोग उस संगठन के कार्यक्रमों से अलग हुए हैं, इसी सोच के रहते, इसी पे द्वंद हुआ हमारा उनका, अर्जक संघ के लोगों का और वो इन लोगों से, तो इस नाते हम लोग अलग। तो क्या कोई मुख्य अतिथि के रूप में बाहरी भी कोई आ रहे हैं या आपने ही लोग मिलाएंगे? अरे हमारे ऐसे ऐसे विद्वान साथी हैं, मुख्य अतिथि का मतलब क्या होता है, जो जिसको ज़्यादा सुना मुख्य अतिथि एक फोकस किया जाता है, लेकिन हमारे इतने विद्वान साथी यहीं पे हैं, तो इस नाते हम बहुत मुख्य अतिथि के बहुत ऐसे कार्यक्रम में रहता, तो कोई अतिथि रहता, अर्जक संघ का सम्मेलन हुआ, कार्यक्रम हुआ संगठन का, तो उसमें रखा जाता है, इसमें बहुत उन्हें रखते हैं हम लोग मुख्य अतिथि का। हम लोग बहुत विद्वान सब पढ़ने लिखने वाले हैं, सब बहुत विद्वान यहीं पे है, स्थानीय साथी अर्जक संघ में और अन्य विचार या समान विचारधारा के या मिलते जुलते विचारधारा के लोग हैं उनके द्वारा किया जाएगा। चलिए अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।